नमस्कार मेरा नाम राजमीत सिंह अरोरा है मैं एक मोशन डिजाइनर हूँ अभी आपने जो वीडियो देखी वैसी वीडियो आफ्टर इफेक्ट्स में बनाना सीखते हैं तो इस एनिमेशन में हम ऑब्वियसली टेक्स्ट एनिमेटर्स यूज करेंगे जो हमने पिछले वीडियो में भी यूज़ किया था लेकिन यहाँ पर क्रूशल पॉइंट ये की हम चाहते हैं जो टेक्स्ट लेयर है उसका एंकर पॉइंट हमेशा सेंटर में रहे तो वो अचीव करने के लिए हम कोडिंग यूज करेंगे तो इसमें आपको काफी कुछ सीखने मिलेगा इस वर्क फ्लो वीडियो से तो इस वर्क फ्लो वीडियो को पूरा एंड तक देखें आफ्टर इफेक्ट्स की खूबसूरत दुनिया में आपका स्वागत है कंट्रोल एन से न्यू कॉम्पोजिशन मेन 1080 1080 12 फ्रेम्स पर सेकेंड या 24 फ्रेम्स पर सेकेंड ले लेता हूँ उसको फ्रेम रेट हम बाद में चेंज कर सकते हैं 15 सेकेंड का टाइम लाइन ओके टाइट लैक्शन सेफ यहाँ पर अब ये बैकड्रॉप है जो मैं यूज़ करता हूँ वीडियोज़ के पीछे आप इसको फ्री पिक से डाउनलोड कर सकते हैं इसे मैं लॉक कर देता हूँ ओके तो गया हमारा कैनवस इस पर हम वर्क करेंगे तो पहले हम हमारा टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं ऊपर सिंपली टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करेंगे और कहीं पर भी क्लिक करके टाइप कर देंगे जो भी आपका टेक्स्ट है ऑल्ट कंट्रोल होम से एंगर पॉइंट इस टेक्स्ट लेयर के सेंटर पे आएगा कंट्रोल होम से टेक्स्ट लेयर कॉम्पोजिशन के सेंटर पे आएगा इसका फ़ॉन्ट एडजस्ट कर लेते हैं साइज अराउंड हेयर वापस से ऑल्ड कंट्रोल होम और कंट्रोल होम अब इस केस में जब हम टेक्स्ट टूल से कुछ भी टाइप करते हैं तो हमें ध्यान देना होता है पैराग्राफ विंडो में पैराग्राफ विंडो में हमें तीन और भी ऑप्शंस दिखते हैं बट तीन मेन ऑप्शन हम यूज़ करते हैं लेफ़्ट अलाइन सेंटर अलाइन और राइट right अलाइन इस केस में बिकॉज एक ही वर्ड है इसलिए हमें डिफरेंस मालूम नहीं पड़ रहा तो जैसे अगर हम टाइप करते हैं लॉकडाउन मे हैपन तो बिकॉज ये लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट है इसलिए ये लेफ्ट से भर रहा है लेकिन अगर मैं इस टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करता हूँ और फिर टाइप करता हूँ तो लॉकडाउन इस केस में ये जो टेक्स्ट है वो सेंटर से बढ़ रहा है अभी इस टेक्स्ट को अगर मैं लेफ्ट अलाइन करता हूँ तो इसका एंकर पॉइंट यहाँ आ गया अगर सेंटर लाइन करता हूँ तो एंकर पॉइंट कहीं और चला गया तो एंकर पॉइंट जो है वहाँ से हमें एनिमेट करना है उसको एक ही जगह पे रखना है अगर एंकर पॉइंट ऐसे हर जगह चेंज होता रहेगा तो हमें वो एनिमेशन वो इफेक्ट नहीं मिलेगा जो हम इस वीडियो के लिए देखना चाह रहे हैं वापस आ गए उस पॉइंट पर तो एंकर पॉइंट को एक जगह पर लॉक करने के लिए हम यूज़ करेंगे एक फंक्शन सोर्स रेक्टा टाइम सोर्स एक्टर टाइम बेसिकली एक फंक्शन है जो आपको किसी भी शेप लेयर या टेक्स्ट लेयर का प्रॉपर्टीज़ देता है जैसे हाइट विथ लेफ्ट और टॉप हम सबसे ज़्यादा सोर्स एक्टर टाइम यूज़ करते हैं जब हमें ऑटो स्केलेबल लोअर थर्ड्स बनाने हैं लेकिन हम उसको ऐसे एप्लीकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं जहां हमें किसी एक प्रॉपर्टी को एक पॉइंट पर लॉकडाउन करना है लॉकडाउन इस टेक्स्ट लेयर पे मैं ए प्रेस करूंगा एंकर पॉइंट खुलेगा और इस पर मैं ऑल्ट लेफ्ट क्लिक से मैं स्टॉप वॉच पर क्लिक करूंगा तो हमें एक एक्सप्रेशन विंडो मिला जहाँ पर हम हमारा कोड लिख सकते हैं जावास्क्रिप्ट में अब यहाँ पर हम पहले कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिफाइन करने के लिए हम सिंपली वी ए आर की वर्ड यूज़ कर सकते हैं या अगर यहाँ पर आप कुछ भी नहीं लिखोगे सिर्फ वर्ड लिख दोगे तो भी वेरिएबल ही कंसिडर होगा बट जस्ट फॉर द सेक मैं वी ए आर वेरिएबल लिखूंगा वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हैं तो मैं ए ले लूँगा कुछ भी आप लिख सकते हैं तो वेरिएबल ए इज इक्वल टू मैं पिकअप करूँगा इस टेक्स्ट लेयर पर ओके इसी टेक्स्ट लेयर पर डॉट सोर्स छोटा आर कैपिटल नीचे आ रहा है बट ई सी टी ए कैपिटल टी टी आई एम ई ध्यान रखें कि जावा स्क्रिप्ट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है इसलिए हमें केस जो स्पेलिंग है उसका ध्यान रखना पड़ता है और ब्रैकेट्स क्लोज करके मैं सेमी कोलन दूँगा और एंटर प्रेस करके नीचे आ जाऊँगा अब हमें इस केस में एंगर पॉइंट को सेंटर पे लॉक करने के लिए और चार वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी हाइट विथ लेफ्ट और टॉप तो और वेरिएबल्स बना लेते हैं वी वी ए आर एच इज इक्वल टू क्योंकि हमने इस लेयर को ऑलरेडी ए वेरिएबल में स्टोर कर दिया है तो मैं लिखूंगा ए डॉट हाइट डॉट हाइट अगेन एक फंक्शन है जो हमें इस लेयर का हाइट रिटर्न करना है सिमिलरली वेरिएबल w इज इक्वल टू ए डॉट विच सेमीकोलन से हम किसी भी सेंटेंस को एंड करते हैं वेरिएबल l इज इक्वल टू ए डॉट लेफ्ट और वेरिएबल t इज़ इक्वल टू ए डॉट टॉप फिर हम नीचे आ जाएंगे अब इस एंकर पॉइंट पे हमें एंड रिज़ल्ट क्या चाहिए बिकॉज आप देखोगे यहाँ पर दो वैल्यूज़ है तो हमें x और y के फॉर्मेट में जो एंड रिजल्ट है इस एक्सप्रेशन पे वो चाहिए तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट से एक्स कॉम वाई टाइप कर दूँगा ओके ये हमारा एंड रिज़ल्ट है हमें ये डिस्प्ले करना है इस प्रॉपर्टी पे इस एक्सप्रेशन से अब यहाँ पर x की वैल्यू होगी l लेफ्ट प्लस डब्ल्यू विथ बाई टू वाई की वैल्यू होगी टी टॉप प्लस एच हाइट बाई टू और यहाँ पर नम पैड एंटर करेंगे तो कैलकुलेशन मैजिक से कोडिंग मैजिक से जो एंकर पॉइंट है वो लॉकडाउन के सेंटर में लॉकडाउन हो गया ये लॉजिक कैसे वर्क कर रहा है इसके अंदर बेसिक मैथ कैलकुलेशन हुई हैं ये पूरा प्रोसेस मैंने एवन एब्रम्स की वीडियो देख के समझा तो वो वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगा आप वहाँ दे, जाके और डिटेल में इसके बारे में समझ सकते हैं बट अभी के लिए समझें कि ये कैलकुलेशन और इस तरह से वेरिएबल्स लेने से एंकर पॉइंट हमेशा सेंटर में रहेगा अब इसे डेमॉन्स्ट्रेट करते हैं ये जो लॉकडाउन वाला लेयर है इस पर मैं अगर लेफ़्ट अलाइन करता हूँ तो भी एंकर पॉइंट सेंटर पे है सेंटर लाइन पे भी एंकर पॉइंट सेंटर पे है और राइट right अलाइन पे भी एंकर पॉइंट सेंटर पे ही रहेगा वो एंकर पॉइंट चेंज नहीं होगा अगर मैं यहाँ पर एंकर पॉइंट को मैन्युअली चेंज करने की कोशिश करूँ तो भी वो नहीं होगा बिकॉज वो कम्पोजिशन के या इस टेक्स्ट के सेंटर पे फिक्स हो चुका है अब इस टेक्स्ट लेयर को मैं बंद कर लेता हूँ अब हमें वो इफेक्ट लाने के लिए इस टेक्स्ट को रिपीट करना है टेक्स्ट रिपीट करने के बारे में हमने डिटेल में एक पहली वीडियो में भी सीखा था लेकिन मैं क्विकली आपको यहाँ पर बता देता हूँ तो ये जो लॉकडाउन वाला लेयर है इस पर मैं इफेक्ट्स एंड पीसेस में एक इफेक्ट ढूंढूंगा स्लाइडर कंट्रोल इसे ड्रैग करूँगा और यहाँ पर ड्रॉप करूँगा अब ये टेक्स्ट वाले लेयर को खोलेंगे और टेक्स्ट के अंदर जो सोर्स टेक्स्ट है उस पर वापस से ऑल्ट स्टॉप वॉच प्रेस करेंगे एक्सप्रेशन लिखने के लिए अब ये टेक्स्ट डॉट सोर्स टेक्स्ट ऐसे ही रहने देंगे उसके आगे लास्ट में डालेंगे डॉट रिपीट फंक्शन और एंटर प्रेस करेंगे तो उससे ब्रैकेट्स मिलेंगे यानी यहाँ पर मैं पिक वेप करूँगा इस स्लाइडर से तो ये कोड क्या कह रहा है कि टेक्स्ट डॉट सोर्स टेक्स्ट ये वाला टेक्स्ट को रिपीट करो इस ब्रैकेट में जो वैल्यू है उतनी बार जो कि है स्लाइडर की वैल्यू अब मैं अगर इसे एंड करूँगा नम एंटर से तो कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि स्लाइडर की वैल्यू करेंटली ज़ीरो है तो इसको मैं एड कर देता हूँ अब ये बाय डिफ़ॉल्ट उसे ऐसे स्प्रेड कर रहा है हम चाहते हैं कि वो टेक्स्ट ऐसे रिपीट हो तो मैं इस लेयर पे डबल क्लिक करूँगा ताकि हम टेक्स्ट को एडिट कर सकें एंड पे आके मैं एक एंटर प्रेस करूंगा तो हमें हमारा लॉकडाउन इस तरह रिपीट होता हुआ मिल गया आठ बार अब सिलेक्शन टूल से मैं बाहर आ जाता हूँ अब हमें समझ में आएगा एडवांटेज ऑफ क्यों हमने एंकर पॉइंट को सेंटर में डालने के लिए इतनी जग की तो अभी जो लॉकडाउन वाला लेयर है इस पर कैरेक्टर विंडो में जब मैं इसकी ट्रैकिंग ए ट्रैकिंग इंक्रीज और डिक्रीज करूँगा तो अब देखो कि हमें वो स्प्रिंग वाला इफ़ेक्ट मिल रहा है जो हम लाना चाह रहे हैं अगर पहले हम ऐसे करते तो वो तो वो सेंटर से नहीं करता अब मैं यहाँ पर कैरेक्टर विंडो में इसकी वैल्यूज़ थोड़ी चेंज करूँगा ये लेयर सिलेक्ट करके इसकी वैल्यूज़ को इतना कर दूँगा कि ये कॉम्पोजिशन के टॉप पर रहे वन okay, थर्टी और इसका जो ऐसे ट्रैकिंग है इसको बढ़ा देते हैं टू अराउंड सिक्स हंड्रेड यानी थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है तो अराउंड वन वन फाइव अब इसे हमें एनिमेट करना टेक्स्ट एनिमेटर्स यूज़ करेंगे टेक्स्ट लेयर को खोलेंगे यहाँ पर टेक्स्ट को बंद करके यहाँ एनिमेट में मैं चूज करूँगा लाइन स्पेसिंग इस सोर्स टेक्स्ट को बंद कर सकते हैं अब हमें एनिमेटर वन मिला है मैं रेंज सिलेक्टर को खोलूँगा अब एनिमेशन के स्टार्ट में मैं चाहता हूँ कि जो स्पेसिंग है वो इस तरह ही हो एंड आगे जाकर वो जो है स्प्रिंग वो ऊपर से नीचे फ्लिप हो जाए तो मैं यहाँ पर लाइन स्पेसिंग के लिए एक की फ्रेम दूंगा और शिफ्ट पेज डाउन से कुछ फ्रेम्स आगे जाऊंगा एंड जो लाइन स्पेसिंग है उसके वाई वैल्यू को रिड्यूस करूँगा और रिड्यूस करके उसको ज़ीरो के अगर पार ले जाएंगे नेगेटिव में तो हमें हमारा इफ़ेक्ट मिलेगा कुछ ऐसा तो अराउंड नेगेटिव नेगेटिव टू थर्टी अब इसे प्ले करेंगे तो वो स्प्रिंग वाली एनिमेशन हो रही है अब इन दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके F9 प्रेस करेंगे ईजी ईज़ के लिए ग्राफ एडिटर में आके मैं लेफ़्ट वाले हैंडल को थोड़ा राइट right की तरफ और राइट वाले हैंडल को थोड़ा लेफ़्ट की तरफ ड्रैग करूँगा तो हमें कुछ इस तरह का मोशन मिलेगा डायनामिक अब मैं चाहता हूँ कि ये जो एनिमेशन है वो कॉम्पोजिशन के थ्रू आउट कंटिन्यू हो तो हम एक और एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे इस प्रॉपर्टी पे लूप आउट और लूप आउट में हम पिंग पोंग यूज़ करेंगे लूप आउट साइकिल मतलब इस पॉइंट के बाद जो नेक्स्ट फ्रेम है वो वापस इस की फ्रेम से इस की फ्रेम जाएगा लेकिन लूप आउट पिंग पोंग मतलब अगर आप यहाँ इस की फ्रेम से इस की फ्रेम गए तो इसके नेक्स्ट की फ्रेम पर वो इस की फ्रेम से वापस पहले वाले की फ्रेम पर जाएगा ऑल्ड स्टॉप वॉच प्रेस करेंगे लाइन स्पेसिंग पे एल ओ ओ पी छोटा कैपिटल ओ यू टी लूप आउट और यहाँ पर कोर्ट्स में मैं लिखूँगा पिंग पोंग से एंटर प्रेस कर देता तो अब जब तक तो कॉम्पोजिशन लास्ट कर रहा तब तक ये एनिमेशन चलता रहेगा तो ये हो गया हमारा बेस वाला काम लेकिन जो ओरिजिनल एनिमेशन है उसके अंदर इस पूरे बॉक्स के डायग्नली एक अलग कलर पैटर्न चल रहा है वो हम इस तरह अचीव करेंगे तो ये जो लॉकडाउन वाला लेयर है जो टेक्स लेयर है इसको मैं कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करूँगा एंड इसको मैं एंटर प्रेस करके रीनेम कर देता हूँ फिल जस्ट हमारे रेफरेंस के लिए अब मैं इस लेयर को हाइड करूँगा एंड जो ओरिजिनल वाला लेयर था उसके अंदर मैं कैरेक्टर विंडो में ये वाला बटन प्रेस करूंगा स्वॉप फिल एंड स्ट्रोक तो यहाँ पर वाइट फिल की जगह वाइट स्ट्रोक आ जाएगा जब हमें वाइट स्ट्रोक में टेक्स्ट मिलेगा तभी उसको कलर से ऐसे भरने में अच्छा इम्पैक्ट आता है और अब जो फिल है वो वाइट कलर में फिल है फिल के लेयर को मैं खोलूँगा यहाँ पर मैं एनिमेट में चूज़ करूँगा फिल कलर आर जी बी अब यहाँ पर आप जो भी कलर देना चाहे, दे सकते हैं मैं इसे सिलेक्ट करके कुछ ग्रीनिश सा कलर दे देता हूँ अब यहाँ पर वो वाला इफ़ेक्ट अचीव करने के लिए हमें रेंज सेलेक्टर्स यूज़ करने पड़ेंगे हमने डिस्कस किया था रेंज सिलेक्टर बेसिकली आपको एक स्टार्ट और एंड पॉइंट देता है इस लेयर के यहाँ से यहाँ तक ही एनिमेशन को अप्लाई करो बाकी जगह अप्लाई मत करो जो रेंज सिलेक्टर वन है इसको मैं ओपन करूँगा एंड पहले लाइन में मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एल सेलेक्ट हो ओके okay? तो उसके लिए मैं क्या करूँगा जो एंड वाला की फ्रेम है उसको मैं शिफ्ट और डाउन एरो से कम करूँगा और वहाँ ले जाऊँगा जहाँ पर सिर्फ़ एल कवर हो रहा है okay? ओके तो अब यहाँ पर ज़ीरो और वन परसेंट पर हमें सिर्फ एल मिला जो पहली लाइन का फर्स्ट कैरेक्टर है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि एडवांस टैब में जाके मैं जो स्मूदिंग है उसको ज़ीरो कर दूँगा ये करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज़ अगर आप देखोगे इसे मैं थोड़ा सा और बढ़ाऊँगा तो एक पॉइंट के बाद वो यहाँ पर स्प्रेड होने लगेगा तो मैं वन करके इसे स्मूदिंग ज़ीरो कर देता हूँ एंड अगर आप चाहें तो एडवांस बन करके जो रेंज सिलेक्टर वन है इस पर मैं एंटर प्रेस करूँगा और इसे वन रीनेम कर दूँगा अब सिंपली इसे डुप्लीकेट करना है और रेंज को उस तरह सेलेक्ट करना है जिस तरह का पैटर्न चाहते हैं तो वन को मैं कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करूँगा एंड जो एंड है उसको मैं अप एरो से उतना बढ़ाऊँगा जहाँ तक तो कि ओ कवर हो जाए एंड देन जो स्टार्ट है उसको अप एरो से मैं यहाँ ले जाऊँगा अगर आप इस तरह का पैटर्न चाहते हैं कि पहले फर्स्ट लेटर हो फिर दो लेटर्स हो फिर तीन लेटर्स हो फिर चार तो वो भी आप बना सकते हैं सिर्फ जो आपका स्टार्ट वैल्यू है उसको आप इस केस में यहाँ तक रखेंगे तो आप समझ रहे कि टेक्स एनिमेटर्स को यूज़ करने से आप कोई सा भी पैटर्न किसी भी तरह से बना सकते हैं यहाँ ले जाता हो टू हो गया कंट्रोल डी ऑटोमेटिकली आफ्टर फिक्स उसे थ्री रीनेम करता है तो एंड को मैं बढ़ा देता हूँ ताकि हमें हमारा डाइनल वाला सी मिल जाए एंड स्टार्ट तक सी के स्टार्ट तक ओके कंट्रोल डी एंड हमेशा एंड ध्यान में रख के फिर स्टार्ट करना चाहिए तो आपको एक विजुअल गाइड मिलता है कि आप कहाँ जा रहे हैं एल ओ सी के टी ओ डब्ल्यू एन फोर को डुप्लीकेट करेंगे एंड जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था टेक्स्ट एनिमेटर्स का कॉन्सेप्ट समझ लेने से आपके लिए लिमिटलेस टाइपोग्राफी एनिमेशंस के पॉसिबिलिटीज़ खुल जाते हैं टू मोर और लास्ट अब जो लास्ट वाला है उसके लिए एंड बाय डिफॉल्ट हंड्रेड ही होगा और स्टार्ट होगा जहाँ पर भी वो स्टार्ट हो रहा है अब जब हम हमारा एनिमेशन प्ले करेंगे तो वो इफेक्ट आ रहा है जो हम चाह रहे थे अगेन ये कम्प्लीटली कस्टम है जिस तरह का भी आप पैटर्न चाहते हैं जो भी आप कलर चाहते हैं आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं अब आखिर में अगर हम इसकी एफिशिएंसी की बात करें मतलब हमें किस हम इसे किस तरह रियूज़ कर सकते हैं तो आप इस एनिमेशन को सिर्फ एट लेटर कैरेक्टर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमने एट लेटर्स के हिसाब से जो डाइगनल है उसके रेंज को रेंजेस को सिलेक्ट किया रेंजेस रेंज को सिलेक्ट किया तो अगर मैं इस लेयर को और हमें दोनों को फिल को और ओरिजिनल लेयर को दोनों को चेंज करना होगा तो अगर मैं ओरिजिनल लेयर को टाइप कर दूँ अमेजिंग एम ए जेड आई एन जी जी आठ लेटर और ये जो फिल लेयर है उसको भी ए एम ए जेड आई एन जी जी तो आठ लेटर का कैरेक्टर होने से सीमलेसली वो हो, हो गया लेकिन अगर यहाँ पर आप आठ लेटर का कैरेक्टर नहीं लेते हैं तो और यहाँ पर तो आपको इफेक्ट मिलेगा लेकिन जो आप डायगोनल चाह रहे हैं वो नहीं मिलेगा आपको कहीं और मिलेगा बिकॉज रेंज उस तरह सेलेक्ट हुआ है कि इसका डाइंगनल सेलेक्ट नहीं हो रहा एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि ये आठ लेटर का कैरेक्टर है इसलिए मैंने आठ टाइम्स टेक्स्ट को रिपीट किया है तभी हमें एक स्ट्रेट डायगनल मिलेगा अगर हम इसे नौ बार रिपीट करते हैं तो हमें ऐसा डायगनल नहीं मिलता तो वो भी आपको ध्यान में रखना है कि कैरेक्टर कितने हैं उतने ही आपको टेक्स्ट को रिपीट करना है तो ये था आज का वर्क फ्लो वीडियो आई होप आपको इससे कुछ सीखने मिला हो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए या आपको आफ्टर रिफेक्ट से इन जनरल कोई भी डाउट है तो वो भी आप मुझसे पूछिए मैं कोशिश करूँगा कि आपका डाउट सॉल्व कर सकू ऐसे और वर्क फ्लो वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पीस